देन क्या, एक्सप्लेन थ्योरी रिगार्डिंग योर टॉपिक इफ एन, अगर आपके टॉपिक से रेलिवेंट कोई थ्योरी है तो आपने उसको भी मेंशन करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी थ्योरी है? भाई जब आप लोग कोई थीसिस पढ़ोगे, जब आप लोग कोई पेपर पढ़ोगे, तो उन लोगों ने मेंशन किया होगा कि ये जो आपका टॉपिक है किस थ्योरी के अकॉर्डिंग है। तो यू हैव नो नीड टू बी वरी लाइक, तो आपने क्या करना है, सिर्फ पेपर्स पढ़ने तो आपको मिल जाएगी। अगर है, मैंने साथ ये भी लिखा है फैनी, अगर नहीं है तो इसको ज़्यादा पैनिक नहीं लेना। उसके बाद इम्पेरिकल फाइंडिंग्स, तो ये काम है जो आप लोगों ने करना है, डिफरेंट पेपर्स डाउनलोड करने और उनकी फाइंडिंग्स को आपने शो करना है। उसके बाद समरी, मींस आपने जब पूरा चैप्टर लिख लिया तो आपने एक पैराग्राफ बनाना है, आपने एक समरी बनानी है, आपने बताना है कि उसमें आपने क्या किया। लाइक अगर पर्सनली तो मैं ऐसे करता कि मैंने डिफरेंट स्टडीज को कोट किया जिसमें मैंने डायरेक्शन ये देखी है, मोस्टली रिसर्चर ये कह रहे हैं और मोस्टली रिसर्चर ये कह रहे हैं, डिफरेंट लोगों ने डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ ये वाले वेरिएबल लिए हैं और मैंने ये लिए थे, और गैप अगर हो सके तो इसी समरी में लिख दीजिएगा। उसके बाद हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस होंगे आपने लिटरेचर रिव्यू के एंड में लिखने, राइट। और इंट्रोडक्शन में क्या लिखना था, इंट्रोडक्शन में आपने ये लिखना था कि ये टॉपिक, ये जो चैप्टर हम लिखने जा रहे हैं, ये किसके इसके मतलब किस चीज से रेलिवेंट है ये वाला। तो अभी मैं सारी चीजों को शो करता हूँ। सेकंड, जब आप लोग कोई भी पेपर डाउनलोड करेंगे तो मुझे उसमें से कितनी चीजों को देखना चाहिए। सबसे पहले तो ऑथर्स होते हैं, फिर ईयर्स होते हैं, देन टाइटल, मींस आप देखते हैं ये पेपर का टाइटल क्या है। अब एज इट नहीं लिख देते, उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। टाइटल्स मींस वो करना क्या चाह रहा था, मींस ही वांट टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी कंजम्पशन एंड CO2 emissions। सो ये उसका टाइटल था, ये उसका पर्पस था। टाइम पीरियड, तो फिर आपने ये भी देखना है वो स्टडी कौन से टाइम में हुई थी, मैथडोलॉजी मैथड कौन सा लगाया, रिग्रेशन कॉरिलेशन VECM टोडन यामामोटो ARDL और व्हाटएवर ही यूज। फाइंडिंग्स, तो उसने क्या फाइंड किया, उसके रिजल्ट्स क्या है। उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो हर पेपर के एंड में उसकी लिमिटेशन दी जाती हैं। ये आपके लिए कंपल्सरी नहीं है, अगर आपका दिल चाहे, अगर टाइम मिले तो उसकी हर पेपर की लिमिटेशन भी शेयर कर लीजिएगा। अब करना क्या है, लिटरेचर रिव्यू को हमने अरेंज कैसे करना है। सपोज देखिए, आप एक काम कर लें, आप पहले जो उन इकोनॉमीज का लिटरेचर रिव्यू लिख लें जो डेवलप्ड है। लाइक आप अपने टॉपिक से रेलेवेंट सर्च करें, आप अपना टॉपिक लिखें और साथ में लिखें एविडेंस फ्रॉम डेवलप्ड इकोनॉमीज, तो आपके पास पेपर आ जाएंगे। आप थीसिस में ऐसी हेडिंग दें स्टडीज रिलेटेड टू डेवलप इकोनॉमीज और जितना भी लिटरेचर है इस हेडिंग के नीचे लिखें, फिर उसके बाद स्टडीज रिलेटेड टू डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो अब पेपर आएंगे, आप उनका लिटरेचर इस हेडिंग के नीचे लिखेंगे। चले अगर ये आपको अच्छा लगता है तो लिख लें, अगर नहीं अच्छा लगता तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ये जरा क्लासिफाई हो जाता। अब देखिए जो आपने करना, फर्स्ट कर लेते हैं आपका टॉपिक ये है। नाउ इफ यू हैव डिफरेंट वेरिएबल्स लाइक दिस, इंपैक्ट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिफॉरेस्टेशन ऑन CO2 emissions। अब देखिए आपके पास तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये पहले वाले तीनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके बाद एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आपने लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखना, अब इसमें पॉसिबल वाला कोई सीन नहीं है, लिखना ही ऐसे, पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक और उसके साथ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सेम यही टॉपिक सर्च करेंगे और वो कहते हैं सर जी हमें कोई भी पेपर ऐसा नहीं मिला इस पेपर के अलावा जिसमें ये तीनों वेरिएबल एक साथ यूज हुए हो। बेटा एक साथ यूज नहीं होते, आपने क्या करना है, आपने पहले एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है, ये देखें लाइक एनर्जी कंजम्पशन मेरा पहला इंडिपेंडेंट है और इसको मैंने देखना है डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। तो मैंने कैसे सर्च करना है, गूगल स्कॉलर पे या गूगल पे, इंपैक्ट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन एंड CO2 इमिशंस। तो अब देखें इस वेरिएबल से रेलेवेंट आपके पास पेपर आ जाएंगे, तो अब आपने क्या करना, उन पेपर्स का लिटरेचर लिख लेना। तो लिटरेचर कैसे लिखना, मेनली आपका फोकस इन्हीं चीजों पर होना चाहिए। फिर उसके बाद देखें डिफॉरेस्टेशन, ये दूसरा वेरिएबल था, आपने क्या गूगल करना है, इंपैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन CO2 emissions।
अब आपने गूगल किया तो आपके पास ये पेपर आ जाएंगे। अब आपने इसका तो ये देखें, ये एक्चुअली हेडिंग, ये एक हेडिंग है। अब इसके नीचे सिर्फ इन वेरिएबल्स का लिटरेचर रिव्यू लिखना है, फिर ये वाली हेडिंग्स के नीचे इन वेरिएबल का, ये वाली हेडिंग के नीचे इन वेरिएबल का। अब आपने सेम यही हेडिंग अपने थीसिस में नहीं लिख देनी, आपने अपने वेरिएबल्स का लिखना है। चलो होप ये आपको समझ आई। अब देखिए मेरे पास एक पेपर है ये वाला, अगर इसको पढ़ा जाए तो मैंने कहा था इसका लिटरेचर रिव्यू लिखना है, तो मैंने कहा सबसे पहले नेम, सबसे पहले आपने क्या करना है, नेम लिखना है ऑथर्स का, फिर उसका पब्लिशिंग ईयर्स क्या है, तो वो आपके, वो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं क्योंकि सॉफ्टवेयर की मदद से आपको सिखाऊंगा। उसके बाद देखें यहां से अगर देखा जाए तो हाँ, स्टडी का पर्पस क्या है, इन्होंने इंपैक्ट देखा है इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी का इकोनॉमिक ग्रोथ पे, और ये कहाँ स्टडी हुई है, डेवलपिंग इकोनॉमीज में। इसने पैनल डाटा यूज किया, मींस इसने ज्यादा कंट्रीज को यूज किया, एक से ज्यादा कंट्रीज को, और उसने बताया उसने कितनी कंट्रीज को यूज किया, 13 डेवलपिंग इकोनॉमीज। उसके बाद इसने रिजल्ट्स भी बता दिए कि इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी को ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ पे। उसके बाद उसने कहा जी हमने एक कॉजलिटी टेस्ट भी रन किया था, और उसने कहा जी आपकी यूनिडायरेक्शन कॉजलिटी है जो इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी से इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा रही है। अब ये देखें उसने कुछ सजेशन दिए, तो अगर आप इसको भी चाहें तो लिख सकते हैं। अब ये देखें ओवरऑल ये आपके पास पेपर था, अब आपने इसका लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखना है। यहाँ देखें सबसे पहले ऑथर ईयर्स एक्सप्लोर्ड रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज, द स्टडी फोकस्ड पैनल ऑफ 13 डेवलपिंग इकोनॉमीज During और ये उसका टाइम पीरियड लिख दिया। The panel ideal is utilized to find out the long run and short run relationship between, ये फिर से अब ARDL आपने पढ़ा था, ARDL टेक्निक लगाई और उसका पर्पज क्या था, ARDL का पर्पज लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन रिलेशनशिप होता है। फाइंडिंग ऑफ द स्टडी सजेस्टेड अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, और ये भी अभी आपने पढ़ा था, हाउएवर ग्रेंजर कॉजलिटी टेस्ट शॉर्ट अ यूनिडायरेक्शनल कॉजलिटी रनिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशन। अब ये देखें वही बात है, अब करना क्या है, हमेशा याद रखें कुछ ये वर्ड्स होते हैं, ठीक है, मीनवाइल, देयरफॉर, हाउएवर, व्हाइल, इन वर्ड्स को अगर कोशिश कीजिएगा यूज कीजिएगा। और यहां देखें बार बार ये वाले वर्ड यूज नहीं करने, काशिफ को मैंने ईमेल कर दी थी, वो आप सबको ईमेल कर देगा। अब देखिए प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हमने इसका रेफरेंस कैसे देना, ये देखें सबसे पहले क्या करना है, हाँ ये पेपर लेना है आपने, इसको कर लेना है कॉपी, ये इसका टाइटल है, ठीक है। अब जाना है गूगल स्कॉलर में, ये था गूगल स्कॉलर एंड आई पेस्ट हियर, इसको कर लेना ओके। यहाँ जाना है अपने साइट पे, मैंने साइट किया, और समटाइम ऐसा हो रहा होता है इंसर्ट टू एंड नोट डायरेक्टली आ रहा होता है, तो मेरे यहाँ साइट आ रहा है, तो यहाँ आपने सेलेक्ट करना एपीएस स्टाइल को और इसको कर देना ओके एंड नोट। अच्छा अब ये है, मेरे से पूछ रहा है ये आप कहाँ रेफरेंस इसको सेव करना चाहते हो, तो एक्चुअली मैं इसको यहाँ सेव कर लेता हूँ रेफरेंसिंग, मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। अब देखिए यहाँ आ गया, अब एक बार आपने इसको ओपन करना है, ये मैंने ओपन कर लिया। अब ये जो मेरी एक डेटाबेस है रेफरेंसिंग डेटाबेस, उसके अंदर ये वाला, ये देखें लिंक सेव हो गया, ये AS, ये लिंक शुरू होता है, ये वाला रेफरेंस शुरू होता है AS से। अच्छा भाई तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं गया यहाँ, अब मुझे ये वाला रेफरेंस यहाँ चाहिए था, राइट, मैं यहाँ जाता हूँ और देखें मैं गया एंड नोट। हाँ जब आप लोग एंड नोट इंस्टॉल कर लेंगे तो ये एंड नोट की टेब यहाँ पे ये आपको नजर आ रही है। अब देखिए इसकी अगर आप एमएस वर्ड 2016 है आपके पास तो एंड नोट 5 उसमें आपको ये कंपेटेबल नहीं है, उसके लिए एंड नोट 7 यूज करना पड़ेगा। और अगर आपके पास विंडो 10 है तब भी प्रॉब्लम है, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू प्लीज इंस्टॉल विंडो 7 एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 10। तो
कुछ दिन के लिए आप ये वाली विंडो 7 और एमएस वर्ड 10 और एंडनोट 5 ये इंस्टॉल कर लें ताकि आपके लिए इजी रहे। ठीक है, अब एक्चुअली मैंने वो रेफरेंस जो सेव कर लिया था, मैं एंडनोट में जाता हूँ, फिर इंसर्ट में जाता हूँ। उसके बाद देखें जो वो रेफरेंस था वो ए एस से स्टार्ट होता था, तो मैंने यहाँ पर ए एस लिखा और जी भी लिख देता हूँ ताकि वो इजीली मिल जाए। ये देखें असगर आ गया, उसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ इंसर्ट। वाह देखो ये उसने खुद से क्या कर दिया, आपको रेफरेंस इंसर्ट कर दिया। अब आपको फायदा क्या होगा इसका, ये देखें अब आपको ये वाला कहीं से कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, एंड टेक्स्ट में वो खुद से आ गया, लेकिन इन टेक्स्ट में आपने सेट करना होगा। हाँ इसमें थोड़ी चेंजेस करनी है आपने, इसको थोड़ा सा ना हाथ से टाइप कर लीजिएगा, ऐसे लिखिएगा असगर। अच्छा जहां भी एट ऑल आ जाए ना तो आपने क्या करना है, सिर्फ ये जो पहला नेम आ रहा है ना असगर, इसके साथ ही एट ऑल लिख दीजिएगा, और एट ऑल 2015। अभी देखें ये मैंने हाथ से इसको कर लिया थोड़ा असगर एट ऑल। अगर दो ऑथर हैं फिर तो कोई इशू नहीं है, आप उनको जैसे आपका दिल चाहे। अभी मैं एक दो और करके दिखा देता हूँ, ये देखें अब ये डिलीट नहीं होता रेफरेंस, इसको क्लिक करना है। ये देखें राइट क्लिक किया मैंने, राइट क्लिक करने के बाद आपने जाना एडिट साइटेशन पे, और यहां से सिर्फ मैंने क्या करना है, देखिए एक तो मैंने ये हाथ से लिख दिया था ना, एक तो ये तरीका था हाथ से लिखना है, दूसरा ये है अगर आप हाथ से नहीं लिखना चाहते आप क्या करते, ऑथर्स एंड ईयर्स उसने भी कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, मैंने ये हाथ से लिख लिया और मैं क्या करना चाह रहा हूं एज यू विश, अगर आपको ऐसे अच्छा लगता है तो आप ऐसा रख ले, नहीं मैं ऐसे चाह रहा हूं शो ओनली बिब्लियोग्राफी। बेटा वो जो था वो यहां से गायब हो गया, अब ये वो बाकी बचा जो मैंने लिखा हुआ था, ये देखिए वो नीचे ऐसे ही है, तो ये थोड़ा अच्छा है। जब भी आपके पास एक से ज्यादा ऑथर हो, सॉरी जब भी आपके पास दो ऑथर हो तो पहले और दूसरे का सरनेम, अब ऐसा करने की जरूरत कोई नहीं है क्योंकि आपके पास ये ऑलरेडी आ चुका है। क्या करना चाह रहा हूँ, ओके मैं आपको ना अब कोई ऐसा पेपर दिखाता हूँ जिसमें दो ऑथर हैं, उनका क्या करना है, क्या करना है, यहाँ गया ये देखें ये दो ऑथर थे, इन्हें मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने गूगल स्कॉलर में गया, ये मैंने कर लिया, ये आ गया मेरे पास, साइड किया मैंने इसको एंड नोट, सेव कर लिया इसको, यस इसको एक बार ओपन करना, सिद्दीक आ गया। मैं चाहता हूँ मैं इसको, चले फर्ज कर लेते मैं इसको यही चाहता हूँ, एंड नोट वाली टैब में इंसर्ट, और यहाँ लिखना है मेरे भाई आपने सिद्दीक, चले ये आ गया। अभी देखें उसने खुद से ही आपको रेफरेंसिंग इसकी कर दी है, आप इसको चाहे ऐसा ऑथर्स ईयर कर लो। अब ये तो अच्छा लग रहा, अगर आपको रेफरेंसिंग थोड़ी सी अजीब लगे तो आप बाय डिफॉल्ट कर लीजिएगा, अगर जैसे अभी ये मैंने तरीका बताया ये वाला कर लीजिएगा बस, अगर कहीं कोई मिस्टेक हुई तो मैं उसको सही करवा दूंगा। ठीक है अब ये कर लीजिएगा एंड थैंक यू सो मच। और दूसरा ये था कि मजीद ये किस तरह लिटरेचर रिव्यू लिखना, लाइक देखें अब्दुल्ला एन, ये जो भी है बड़ा ही टफ नेम है, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा। ये देखें इसने वेरिएबल्स को भी शो किया क्या है और ये सारी चीज़ें बताई है, प्लीज़ आप भी ऐसे ही पैराग्राफ बनाइएगा। एंड आई डोंट थिंक सो कि मैं इससे कोई आसान तरीका यूज़ कर सकता हूँ। मेरे बच्चों चिल एंड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।